हेलो क्यूटीज, आज मैंने किया है वायरल लाचे मेकअप लुक। लाचे मेकअप लुक में हम जो भी मेकअप करते हैं सब ब्राउनिश टोन में होता है और ये एक कॉफी का टोन है, तो सुना ही होगा आपने लाचे कॉफी। सो कैसे क्रिएट किया है देखिए पूरी वीडियो। सबसे पहले मैंने येलो कलर करेक्टर लिया और इसे अपनी अंडर आइज पे अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अपनी ही स्किन का कंसीलर लेके उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाऊंगी पूरे फेस पे और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं करूंगी कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग हमें नोज पे, चीक्स पे, फोरहेड पे अच्छे से करनी है, क्योंकि इस लुक में हमें ब्राउनिश टोन देनी है अपने फेस को, चिजल दिखाना एकदम। तो इसलिए मैंने पूरे फेस पे ऐसे सी टाइप में, एल टाइप में थ्री बना के कॉन्टोरिंग की है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस लुक में ब्लश तो हमें लगाना ही नहीं है। अगर हम लगाना चाहें तो हमें ब्राउनिश टोन का कोई या फिर कुछ ऐसा लेना है जो ब्रिक कलर का हो और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्लश को। मैंने लिपस्टिक ली थी एक ऐसे कलर की और फिर उसके बाद मैं एक लाइट कलर का कंसीलर लूँगी और उसे फेस को हाईलाइट करूँगी ताकि हमारे फीचर और अच्छे से इन्हेंस दिखे। लाइट कलर का कंसीलर मैंने लिया था अपने अंडर आइज पे, फोरहेड पे, चीन पे, सब जगह लगा के अच्छे से उसे ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं लूँगी लिक्विड हाईलाइटर जो कि है गोल्ड कलर का, जो मैं अच्छे से उसे अपने चीक्स पे लगा लूँगी और फिर उसे ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं पाउडर से अंडर आइज को सेट कर लूँगी। पाउडर से सेट करने के बाद हम फिर से कॉन्टोर लेंगे और नोज़ को अच्छे से कॉन्टोरिंग करेंगे। नोज़ की कॉन्टोरिंग हमें छोटे ब्रश से कर रहे हैं क्योंकि प्रिसाइजली हमें वर्क करना है, इसलिए अच्छे से छोटे ब्रश से किया है। और आई मेकअप तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता ही दिया था। और एक बड़े ब्रश से मैं जैसे जैसे हमने क्रीम कॉन्टोरिंग की थी वैसे वैसे हम करेंगे इसको अच्छे से। ब्रश से भी पाउडर कॉन्टोरिंग हम कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं ब्लश तो मैंने नहीं लगाया, एक डार्क शेड लिया मैंने और उससे ब्लश एज अ ब्लश मैंने ब्रॉन्जर को अपने फेस पर ब्लेंड कर लिया। और पाउडर लेके मैं इस मेकअप को जो हमने जो कॉन्टोरिंग की थी ना उसे अच्छे से चिजल्ड और पतला दिखाने के लिए फेस को मैं पाउडर से कट कर रही हूँ और ताकि हमें हमारा फेस एकदम अच्छा दिखे। फिर मैं अब पाउडर हाइलाइटर ले लिया, मैंने ब्रॉन्जर शेड में लिया है ताकि हमें अच्छी सी शेड मिले ब्राउनजी और ब्राउनी कलर की। इस पर मैंने थोड़ा सेटिंग्स पे कर लिया था ताकि अच्छा सा पिगमेंटेड हो और एक अच्छी शाइन दे फेस पे। तो ब्रॉन्जी मैंने इसमें हाइलाइटर यूज़ किया है नोज़ पे, चीक्स पे और आईलिड पे भी मैंने इसको लगा लिया था। फिर मैंने ब्राउन कलर का लिप लाइनर लिया और इससे अपनी लिप्स को लाइन कर लिया। फिर मैंने लिपस्टिक ब्राउन कलर की लगाई है, आईलैशेस को कर्ल कर लिया और इसके ऊपर मैंने ग्लॉस लगा लिया था। लिपस्टिक के लिए मैंने दो तीन शेड्स को मिक्स करा था और फिर इसके ऊपर हम ग्लॉस लगा लेंगे और हमारा फाइनल लुक ये है। सो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा।